morning students, today we are going to read a story. Story is about three questions. It's English tradition, chapter number one, three questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. एक राजा था, उसके दिमाग में एक चीज ये आई कि अगर तीन चीजें, तीन क्वेश्चन हमें पता हो तो हम कभी भी फेल नहीं करेंगे, हम हमेशा राजा बने रहेंगे. दीज थ्री थिंग्स वर, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. पहला क्वेश्चन क्या था? पहली चीज अगर हमें ये बताओ कि क्या सही समय है किसी काम को करने का. विच पीपल शुड ही लिसन टू. दूसरा, किस आदमी को सुनना चाहिए. ढेर सारे लोग अपने सजेशन देते हैं, तो किसका सजेशन हमें मानना चाहिए. दूसरी चीज, थर्ड थिंग इज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. अब हमें चूज करना होता है, जब सजेशन मिल गए तो क्या कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पहले करनी है, तो हमें चूज करना पड़ता है. ढेर सारे सजेशन मिले कि इस काम को ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, What is the most important thing for him to do? तो उसको क्या most important करना चाहिए? ये तीन चीज़ अगर जो है पता है, तो किंग को ऐसा लगा कि शायद हम किसी चीज में फेल नहीं करेंगे, हमेशा हम अच्छे से अच्छा रूल करेंगे. तो फिर से हम लोग रिकॉल कर लें, तीन चीजें क्या थी? राइट टाइम, कि किसी काम को कैसे सही टाइम पर स्टार्ट करना है. दूसरा, किस तरह के लोगों को सुनना है या किसके सजेशंस मांगना है. और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. अब उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको वो करे. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस. तो राजा ने जो है आपके एक तरह से मैसेंजर्स को भिजवा दिया आपके पूरे प्रजा में और करवा दिया कि ये तीन क्वेश्चंस का आंसर जो बता पाएगा जो है उसको ढेर सारा पैसा दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा. मेनी वाइज मेन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बहुत सारे जो है आपके लोग आए, उन सबने बताया कि हाँ वो जो है आपके एक जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये जवाब है, इस क्वेश्चन का ये जवाब है. बहुत सारे लोग अपने आए और उन्होंने अपने अपने बातों को कहा. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन के जवाब में क्या कहा? किंग ने ये कहा कि किंग को ये बताया गया, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि किंग को एक टाइमटेबल बना लेना चाहिए और टाइमटेबल के अकॉर्डिंग जो है चीजों को करना चाहिए. तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ जो है राइट टाइम पर कैसे काम को किया जाए. तो राइट टाइम करने के लिए अपने आप को टाइमटेबल में बांधना. बहुत सारे लोगों ने ये सजेशन दिया. ओनली इन दिस वे दे कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. तो टाइमटेबल मानने से वो प्रॉपर टाइम पर सारे काम को करने लगेगा. अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड एन इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, हम लोग पहले से एडवांस में कैसे बता सकते हैं कि इस काम को कर इस तरह से किया जाएगा या ऐसे किया जाएगा या अब किया जाएगा. तो वो काम, क्योंकि कोई भी परेशानी जब आती है या कुछ भी आता है तो एटेंडम आती है, वो पहले से पता नहीं रहता, तो उसका सोल्यूशन हम पहले से खोज करके रखें, पहले से जो है आपके एक तरह से जो है सोच करके रखें, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड Always do whatever seemed necessary at that time. तो किंग जो है सभी की बातों को सुन रहा था, बेवकूफी भरे बातें सब लोग कर रहे थे, तो किंग सुन रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं हुआ इनसे. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोगों ने ऐसा सजेशन दिया कि कुछ जो है आपके ऐसे चालाक लोगों की, वाइज आदमियों की, कुछ जो है जानकार लोग हैं, उनकी एक ऐसी काउंसिल बनाना चाहिए, एक ऐसी
जो है ग्रुप बनाना चाहिए वो हमेशा टीम के पास रहे, वो सजेशंस दें कि हाँ कौन सा काम कब करना है, कितने उसमें टाइम में करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। क्यों? क्योंकि एक आदमी कोई जरूरी नहीं कि सही टाइम भी अब जो है डिसाइड कर ले कि हाँ इसे कब करना है। तो उनका सजेशन ये था कि ढेर सारे लोग इसको मिल करके डिसाइड करें। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो ये इम्पॉसिबल है कि सभी लोग जो है आपके एक पर्सन जो है वो सारी जो है डिसीशन भी ले ले और करेक्ट भी हो और करेक्ट टाइम पर भी कर ले। तो इसलिए उन सबका मानना था कि एक जो है एक कलेक्टिवली ये डिसीशन आए और कुछ लोग इसे डिसाइड करके बताए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। लेकिन उस पर उन्होंने कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने यह कहा कि कुछ चीजें तो अर्जेंट होती है, फौरन फौरन करनी होती। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीशन ऑफ द काउंसिल। क्या ये काउंसिल, अब कोई परेशानी आएगी तो पहले काउंसिल से डिस्कस की जाएगी और डिस्कस करने के बाद तब उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। उतनी देर में तो हो सकता है कि वो अर्जेंट हो और फौरन में फौरन एक्शन लेना हो, तो कहां तक काउंसिल से हर चीज डिस्कस की जाएगी। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो राइट टाइम डिसाइड करने के लिए उनके हिसाब से राइट टाइम डिसाइड करने के लिए उनको फ्यूचर में देखना चाहिए। And only magician could do that. और उनके हिसाब से सिर्फ मैजिशियन ही ये कर सकते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। The king therefore would have to go to magicians. तो कुछ का सजेशन ये था कि magicians के पास जाएं, तो वो पहले से ही बता देंगे हाँ क्या होगा या कैसे उसका सोल्यूशन होगा। In their answers to the second question. अब ये पहले क्वेश्चन के आंसर थे सर, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से दे रहे। अब सेकेंड क्वेश्चन, in their answer to the second question some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest. ab kisko sunna chahiye ye important cheez thi ki kisse suggestion lena chahiye, ye second question tha. to kuch ne kaha counselors se, kuch counselors hone chahiye, kuch group of men hona chahiye, unse jo hai suggestion lena chahiye. kuch ne kaha nahi priest se lena chahiye, प्रीस्ट ज्यादा जानकार होता है और वो जो है आपके प्रीस्ट किसको कहते हैं, पादरी, जो आपके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्रिश्चियंस में जैसे पोप होते हैं, जो आपके प्रीस्ट होते हैं, उसी तरह से जैसे आपके मुस्लिम्स में जैसे इमाम होते हैं, नमाज जो पढ़ाते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, या फिर जैसे हिंदू में जैसे पंडित हैं जो पूजा कराते हैं, उनसे पूछा। तो इन हेडेड लोगों से जो है आपके एक लेना चाहिए, कुछ का मानना ऐसा था। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स, कुछ ने ये कहा कि नहीं डॉक्टर्स से सजेशन लेना चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने कहा कि नहीं सोल्जर्स जो है उनसे सजेशन लेना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, तो सब कुछ तीसरे क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा नहीं साइंस। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन ये था कि जो आपके कुछ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, ये थर्ड क्वेश्चन था। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साइंस बताएगी कि हाँ पहले क्या करना चाहिए। अदर चूज फाइटिंग, दूसरा कहा नहीं फाइटिंग कराना चाहिए कि अगर दो लोग फाइट करें तो वो डिसाइड करें कि हाँ कौन जो है आपके बेटर बोल रहा है क्या है। येट अदर स्टेप रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप जो है कराना चाहिए। इस तरह के ढेर सारे सजेशंस आए। एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। किंग अनसेटिस्फाइड था, तरह तरह के आंसर आए लेकिन किसी भी आंसर को वो कोई आंसर उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए उसने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। बल्कि उसने जो है एक ऐसे हर्मिट कहा जाता है ऐसे लोगों को जो ऑस्टेरिटी लाइफ जी रहे हैं, अकेले सुनसान में पड़े रहना और जो है आपके सिंपल लाइफ जीना, तो उस तरह के लोग ज्यादा अच्छे सजेशंस देते हैं क्योंकि उनका सिंपल लाइफ के साथ साथ जो है आपके एक्सपीरियंस होता है
और अकेले होने की वजह से उनको टाइम भी काफी मिलता है, इसलिए ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो हर्मिट उनको कहा जाता है। तो किंग ने यह सोचा कि किसी हर्मिट को पकड़े, किसी ऐसे एक्सपीरियंस आदमी को पकड़े जो आपके अकेला रहता हो, सिंपल लिविंग हो उसकी, बहुत हाई फाई ना हो, वो इस क्वेश्चन का जवाब दे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट। एक हर्मिट था जो जो है आपके जंगलों में रहता था, वुड में रहने का मतलब जंगलों में रहता था, जो वहां से कभी नहीं निकलता था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. और वो किसी को नहीं मिलता था या किसी से नहीं मिलता था, सिर्फ सामान्य आदमियों से मिलता था, सिंपल पीपल से मिलता था। कोई अगर उसके यहाँ कोई ऑफिसर ग्रेड के या फिर जैसे आर्मी वाले या फिर कुछ इस तरह के स्पेशल लोग अगर चले जाते तो उनको ट्रीट नहीं करता था। इसलिए राजा ने भेस लिया एक आम आदमी का, आज आदमी का भेस लेकर के, पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो राजा जो था उसने अपने घोड़े को छोड़ा, अपने बॉडीगार्ड्स को छोड़ा, वापस कर दिया और फिर पैदल गया जो है हर्मिट तक। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा वहां पहुंचा उसने देखा कि हर्मिट कर क्या रहा है, तो वो पर्सन क्या कर रहा था, वो अपने जो है झोपड़ी के आगे गड्ढे खोद रहा था, तो उस गड्ढे को जो है आगे खोदा कर रहा था, खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने किंग को नमस्ते किया, नमस्ते करके फिर अपने काम में लग गया, फिर गड्ढे खोदने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो सिंपल आदमी था वो बहुत बूढ़ा था और कमजोर था। एंड एज ही वर्क ही ब्रेथ heavily, जब वो काम कर रहा था खोल रहा था, ब्रेथ हैवीली के मतलब क्या होता है, उसकी सांस फूल रही थी, तो इतना जो है आपके बूढ़ा था सांस फूल रही थी काम कर रहा था वो। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस। तो किंग जो है हर्मिट के पास जाता है और कहता है कि हम तुम्हारे पास आए हैं, हमें तीन क्वेश्चनों का जवाब चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, उस पहले क्वेश्चन को बताता है ये कैसे हमें पता चलेगा कि हम कौन सा काम कब करें। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन ऐसे आदमी हैं जिनकी हमें हेल्प लेनी चाहिए, तो कौन किनका सजेशन हमें लेना चाहिए, ये दूसरा था। तीसरा क्वेश्चन, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से ऐसे काम हैं या कौन सा ऐसा काम हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करना चाहिए या पहले करना चाहिए, किसको हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ये तीन चीजें जो है उसने पूछा। The hermit listened to the king, but did not speak. He went out digging. Hermit ने सारे क्वेश्चन सुना, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वो खोदता रहा गड्ढे। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. King ने कहा कि तुम थक गए हो, तो बैठ जाओ, हम जो है गड्ढे खोदते हैं। तो उसने फावड़ा लिया, स्पेड होता है फावड़ा, और उस जो है खोदना उससे शुरू किया। The hermit listened to the king, but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो हम तुम्हारे जगह पर काम करते हैं, तुम बैठो। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. उसने शुक्रिया अदा किया और फावड़ा जो था वो जो है आपके किंग को दे दिया। Then he sat down on the ground. Down पे वो बैठ गया। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his question. जब उसने दो गड्ढे खोद लिए तो किंग ने फिर से क्वेश्चन अपना रिपीट किया। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." Hermit उठा, उसने कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बल्कि उठा, अपने हाथ फैलाए और अपने हाथ को बढ़ाया और उसने कहा कि हमें फावड़ा दे दो, अब तुम आराम करो, हमें काम करने दो। One hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at the last, the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." एक घंटा बीता, अगला घंटा बीता, उसके बाद धीरे-धीरे करके सूरज जो था, वो डूबने लगा और अंधेरा हो गया। उसके बाद जो है उसने फिर से कहा वाइस मैन से, राजा ने, कि हम आपसे पूछते रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। Here comes someone running, said the hermit.
तो हेलमेट ने देखा कि कोई दौड़ता हुआ चला रहा है, तो ये जो है आपके जो है वो बताता है कि हाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब ये सीन वन था, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द सीन टू। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। तो किंग ने पीछे पलट के देखता है कि कौन आ रहा है, क्योंकि इसने बोला था हेलमेट ने कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ उन लोग की तरफ चला आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसका हाथ पेट को पकड़े हुए था, पेट को प्रेस किए हुए था। From which blood was flowing, जिसके अंदर से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, वैसे ही वहां गिर करके फेंट हो जाने का मतलब बेहोश हो गया। तो वो बेहोश हो गया और वहां गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो किंग ने और हर्मिट ने जल्दी जल्दी उसका पेट का कपड़ा हटाया और हटा करके देखा तो एक बड़ा घाव था, जो आपके लार्ज वुंड क्या होता है, घाव इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक लार्ज जो है आपके वुंड था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हर हैंडकरचीफ। किंग ने उसको धोया और धो करके अपने हैंडकरचीफ से, अपने रुमाल से जो है उसको पोंछा और उसको कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन फिर भी खून बंद नहीं हो रहा था, बह रहा था। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप। फिर से किंग ने फिर से ड्रेसिंग करी, फिर से उसको जो है पूछा, फिर से लगाया, वो तब तक किया जब तक कि उसका खून बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। आदमी फिर ठीक हुआ, होश में आया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। किंग जो है गया जाकर के फ्रेश वाटर लाकर के उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, क्योंकि सूरज डूब चुका था, ठंडी हवाएं चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो किंग ने हर्मिट की हेल्प से उसको ले गया और अंदर हट के अंदर जो है बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। आदमी अपनी आंख बंद करके जो है चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट। जो राजा था वो भी थक चुका था, क्योंकि अपने रास्ते में इतनी लंबा सफर करके आया था, फिर उसके बाद उसने जो है आपके गड्ढे खोदे थे, इसकी वजह से थक गया था। वो भी वहीं पर लेटा और लेट करके सो गया। व्हेन ही वो इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर where he was or who was the strange bearded man lying on the bed box. जब उसकी आंख खुली तो उसको रियलाइज हुआ कि हाँ वो कहाँ है, राजा कहाँ पे है, और वो बियर्डेड आदमी जिस जो घायल आदमी था वो जो है आपके कहाँ चला गया, जो बेड पे लेटा था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उसने देखा कि राजा उठ गया है तो उसने जो है माफी मांगी उससे, बियर्डेड मैन ने, बियर्डेड मैन वहां पर था, उसने उससे माफी मांगी कि हमें माफ कर दो, फॉरगिव मी। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द मैन, सेड द किंग। तो किंग ये कहने लगा कि हम तुम्हें जानते ही नहीं है और माफी किस बात की मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आदमी कहता है, वो बियर्डेड मैन जो दाढ़ी वाला आदमी होता है, वो ये कहता है, तुम हमें नहीं जानते लेकिन हम तुम्हें जानते हैं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू। हम तुम्हारे वो दुश्मन हैं जो तुमसे बदला लेने आ रहे थे। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने हमारे भाई को मारा था और हमारी पूरी प्रॉपर्टी जो है ले ली थी। आई नीड यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था कि तुम हर्मिट के पास जा रहे हो अकेले, इसलिए हमारे लिए आसान था तुमको मारना, इसलिए मैं तुमको मारने के लिए आया था। But the day passed and you did not return. एक दिन बीत गया और तुम वापस नहीं लौटे। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. लेकिन जब मैं आया तुम्हारे पास तो उस समय तुम्हारे बॉडीगार्ड ने हमको पहचान लिया और पहचान करके जो है उसी ने हमको चोट लगाई। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव
died if you had not dressed my wounds. अब वहां से तो निकल रहा है लेकिन मैं मर जाता अगर ये राजा से कह रहा है आपके बियर्डेड मैन जो दाढ़ी वाला आदमी कहता है हम वहां से तो निकल आए जो बॉडी गार्ड थे उन्होंने मारा हमें घाव लगा लेकिन जो है राजा से कहता है कि अगर आपने हमारी ड्रेसिंग न की होती तो शायद हम मर गए होते. I wish to kill you and you have saved my life. और मैं तुमको मारने जा रहा था लेकिन तुमने हमारी जान को बचा लिया. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. और अगर मैं जिया तो मैं अब तुम्हारे लिए राजा से ये बोलता है दाढ़ी वाला आदमी कि मैं तुम्हारा मोस्ट जो है फेथफुल सर्वेंट बन के रहूंगा तो ईमानदार जो है आपके नौकर बन करके रहूंगा और हम अपने बच्चों से भी ये कहेंगे कि वो भी जो है तुम्हारी जो है आपकी सेवा करें. फॉरगिव मी मुझे माफ करो. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली. राजा को बहुत खुशी हुई कि उसका दुश्मन भी आसानी से उसका दोस्त बन गया. एंड टू हैव वन हिम वर एज अ फ्रेंड तो वो खुश हुआ कि उसने उसको एक ऐसा दोस्त मिल गया जो कि जो दुश्मन था. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. तो अब उसने ये भी कहा कि तुम अकेले नहीं जाओगे बल्कि हम अपने आदमी तुम्हारे साथ भेजेंगे इवन डॉक्टर भी भेजेंगे जब तक कि तुम्हारा जो है आपके घाव नहीं सही हो पाता और तुम्हारी जो प्रॉपर्टी मेरे पास है वो प्रॉपर्टी भी हम लौटा देंगे. लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट. वुंडेड मैन को छोड़ करके बियर्डेड मैन को छोड़ करके राजा बाहर निकला और ढूंढने लगा कि हर्मिट कहां गया. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. राजा क्योंकि जा रहा था इसलिए उसने सोचा कि एक बार फिर क्वेश्चन हम कर लेते हैं शायद हमें आंसर मिल जाए क्योंकि अभी तक आंसर उसने नहीं दिया था. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. तो हर्मिट जो था उस टाइम क्या हो रहा था उस गड्ढे में बीज को बो रहा था जो गड्ढा उन लोगों ने एक दिन पहले खोदा था. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." तो राजा जाता है और जाकर के उसे कहता है कि लास्ट टाइम अब हम आपसे फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप उसका आंसर दें. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. जैसे ही उसको जो है आपके उसने पूछा कि आपने आंसर नहीं दिया तो वैसे ही हर्मिट ने क्या कहा तुम्हें तो तुम्हारा आंसर मिल गया और उसकी तरफ फिर वो देखने लगा. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड व्हाट डू यू मीन हमें कैसे आंसर मिला क्या क्या तुम्हारा मतलब है. डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट क्या तुम ये नहीं देख रहे हो. हर्मिट ने कहा इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुमने तुम्हें जब कल तुम आए थे तो जब तुम्हें तुमने हमें देखा कि हम एक कमजोर आदमी गड्ढा खोद रहे हैं और हमारे ऊपर अगर तुमको तरस नहीं आती पिटी नहीं आती तो तुम गड्ढा नहीं खोदते जिसमें आज हम जो है बीज बो रहे हैं. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अगर तुम गड्ढा नहीं खोद रहे होते तो हो सकता है कि वो आदमी तुम वापस चले गए होते हमारे ऊपर पिटी ना करके वापस चले गए होते और वापस चले गए होते तो जो आदमी अभी घायल हुआ है उसको रास्ते में तुम मिलते हो सकता है वो तुमको मार देता. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर डिगिंग द बेड्स. सबसे इंपॉर्टेंट वक्त कौन सा था काम करने का वो उस टाइम था जब तुम गड्ढा खोद रहे थे. अगर तुम गड्ढा नहीं खोदते उस टाइम और तुम वापस चले गए होते हमसे पूछ करके क्वेश्चन और हम जवाब ना देते और वापस चले गए होते तो रास्ते में तुम मर चुके होते क्यों तुम्हारा जो दुश्मन है वो तुमको मार चुका होगा. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो था जिस टाइम तुमने काम करना शुरू कर दिया गड्ढा खोदना शुरू कर दिया हमारे साथ. एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन
एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. और हमने क्योंकि तुमको रोका, हमने तुमको कहा कि हाँ गड्ढा खोदो, या हमने तुमको जो है आपके स्पेड दिया कि तुम गड्ढा खोदो, इसलिए हम इंपॉर्टेंट आदमी हो गए उस टाइम, क्योंकि हमने तुमको रोका. अगर हम नहीं रोकते तो शायद तुम वापस जाते हो, तुम भर जाते, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सन हम हुए. और जो तुमने काम किया वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम था, बिजनेस था, जो तुम्हें करना चाहिए था. तो इंपॉर्टेंट पर्सन जिसकी तुम सुनोगे वो मैं था, जिस जो हमने कहा कि नहीं जो है आपके गड्ढा खोदने के लिए उनको बोला. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. इंपॉर्टेंट टाइम क्या था काम करने का, जब वुंडेड आदमी आया था उस टाइम जब तुम ड्रेसिंग कर रहे थे, तब वो तुम्हारा जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था वर्क करने का. तुमने पूछा था कि कौन सा वक्त सही वक्त होता है किसी काम को करने का, तो सही वक्त वही था जिस समय तुम घाव उसके सही कर रहे थे. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. हो सकता है कि अगर तुम उसकी जो है ईमानदारी ना करते, तुम उसको अगर उसके घाव को ना भरते, तो हो सकता है वो आदमी क्या होगा, वो आदमी मर चुका होगा और तुमसे जो है एक तरह से फिर भी जो है आपकी रंजिश चलती रहती, फिर उसके बच्चे हो सकता है तुमसे जो है आपके एक तरह से जो है बदला ले. लेकिन अब क्योंकि वुंडेड आदमी वो तुमने जो है आपके सर्व किया, इसलिए वुंडेड आदमी ने अपनी जो एनमिटी थी, जो एक रंजिश थी, वो आपके भुला दी और यही चीज जो है आपके एक तरह से पीस में कन्वर्ट हो गई. सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. उस टाइम वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन था, क्योंकि तुम जो इंपॉर्टेंट पर्सन था जिस पर तुम वर्क कर रहे थे, और तुम्हारा इंपॉर्टेंट जो तुमने इंपॉर्टेंट बिजनेस किया था, जो तुम उसके घाव साफ कर रहे थे. Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. हर काम को अभी करो, यही सबसे important time होता है. आगे के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा काम को अभी करना चाहिए. तो फौरन के फौरन करो. तो अगर फौरन का फौरन तुम गड्ढा ना खोदते, फौरन का फौरन उसकी बूंद ना भरते, तो हो सकता है गड्ढा ना खोदते, तो हो सकता है रास्ते में वापस जाते, मर जाते. फौरन का फौरन अगर तुम उसकी घाव ना सही करते, तो हो सकता है वो मर जाता बिना तुमसे पीस किए हुए. तो इसलिए फौरन का फौरन जो तुमने काम किया, दैट वाज द इंपॉर्टेंट टाइम. तो किसी वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए. हार्वर्ड क्या सिखा रहा है, काम का वक्त नहीं होता किसी काम को, एप्रोप्रिएट काम को करने के लिए. जब भी वो काम दिमाग में आए फौरन कर देना चाहिए. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि अगर हमें कोई काम करना है, अभी हमने सोचा है, तो अभी हमारे पास एक एंथुजियाज्म होता है, एक हम लोगों के पास काम करने का जो है एक तरह से पावर होता है, जोश होता है, जुनून होता है, फौरन काम हो जाता है. लेकिन उसको थोड़ा देर अगर आपने बिता दिया तो सारा जोश ठंडा हो जाता है, फिर काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. तो इसलिए फौरन का फौरन, क्योंकि आपके पास पावर होती है काम करने की, इसलिए फौरन काम को करना चाहिए. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. जो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो कौन होता है, जो भी तुम्हारे साथ आदमी हो, जिससे तुम मिल रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है. उसमें से ढूंढो नहीं कि हाँ कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो तुम्हें जो जिससे भी तुम मिल रहे हो, हर पर्सन इंपॉर्टेंट होता है. तो जिससे मिल रहे हो, जो भी तुम्हें सजेशन दे रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होगा. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स. कोई जरूरी नहीं, इन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा. कोई आदमी अगर सजेशन दे रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं हमें और बेटर सजेशन चाहिए, मान लीजिए कोई दूसरा सजेशन देने वाला आया ही नहीं, हमने फ्यूचर तो नहीं देखा है. हम इस इंतजार में हैं कि अभी और अच्छा सजेशन आएगा. तो अगर हम इस इंतजार में हैं कि और अच्छा सजेशन आएगा, और हम पहले जो है सजेशन को छोड़ दिया और पहले सजेशन का टाइम निकल गया, तो पहला सजेशन अब होना ही नहीं, अब दूसरा सजेशन आया नहीं.
इसलिए किसी ने फ्यूचर को नहीं देखा है, इसलिए जैसे ही तुमको सजेशन मिले उस पर एक्ट करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हमें क्या करना चाहिए, जो चूज करना चाहिए क्या करें, बेस्ट वर्क करने की कोशिश करें, अच्छा काम करने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छे काम के लिए ही हम लोगों को दुनिया में भेजा गया है। गॉड ने हम लोगों को दुनिया में किस काम के लिए भेजा है, अच्छे काम करने के लिए भेजा है। तो इसलिए जो हर्मिट था उसने क्या सिखाया, उसने देखिए तीन चीजें सिखाई। तीन चीजें क्या थी, पहली चीज हर काम को फौरन करना चाहिए, नाउ। दूसरा चीज जो भी पहला पर्सन आपको मिले वही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या कौन सा काम चुनकर भी करना चाहिए, बेहतर काम, सबसे बेस्ट काम जो हो, अच्छा काम हो, बेहतर जो मॉरल आपको दे या मॉरल वैल्यूज जो आपको बताता है या अच्छी बातें बताता है, उस काम को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अच्छे काम करने के लिए आए हैं। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है आपके राजा को मिल गए, हर्मिट ने दे दिए, और यही जो है आपकी स्टोरी थी। इस स्टोरी को बार बार पढ़ें, ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए जिससे कि हमारी वॉइस क्लियर रहे, और इसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसको लर्न करिए और अपनी कॉपी में इसको कर लीजिए। थैंक यू।